अध्यक्ष मौजूद है और प्रदेश मंत्री जो कि युवा मोर्चा के सुनील चौहान जी भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले कि क्या माहौल आपको पूर्वी दिल्ली में लग रहा है? पूर्वी दिल्ली में सिर्फ नमो नमो का नारा है और जो विकास की बाहर चल रही है उसी को जनता जो है आगे भी बढ़ाना चाहती है और पूरे जोश और खरोश के साथ में, लेकिन कर्म करना जरूरी है तो उसके लिए कर्म तो करना है, तो इसलिए हमारी जो ये धूप में मेहनत चल रही है वो इसलिए हम कर रहे हैं। तो जीत एक भव्य हो और पूर्वी दिल्ली से एक ऐतिहासिक जीत हम गौतम गंभीर को दिलाना चाहते हैं। तो शांति से नहीं, ये नहीं बैठना सिर्फ मोदी जी के नाम चल रहा है, लहर चल रही है और माहौल अच्छा है, लेकिन उस माहौल को हम और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं हर लोगों तक। जो अगर कुछ लोग अभी कुछ भी बहके हुए लोग जो हैं, जो कुछ दूसरे बहकावे में आ जाते हैं, जो अपना सेंस ना रखते हुए दूसरे बात में रहते हैं, उन लोगों को भी हम समझाने का काम कर रहे हैं कि देश हित में एक तरफ जो है देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी ताकतें अपनी साथ दे रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम, जो देश के विरोध में जो भी चीज़ें होती हैं उसको एकदम अपने हाथ में लेकर चलते हैं, चाहे वो सेना का मनोबल तोड़ने का काम हो, चाहे वो देश विरोधी, चाहे जाकिर नाइक जैसा इंसान हो जो कि आतंक का पर्याप्त बन चुका है, उसका सहयोग करना, अपने मंच में उसको स्थान देना, ऐसे लोगों को, और खासतौर से राहुल जैसे के बहन का फूटा कि वो पहले सिर्फ अमेठी से थे, अब जो है कहाँ एक मुस्लिम गढ़ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हरे झंडे के नीचे। जी जी जी, यानी कि आप कुल मिला के आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी बात ये राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान में घुस के मारा गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव। बिल्कुल मुद्दा रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से राष्ट्र पहले प्रथम हमने स्थान रखा है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी ने शुरुआत में बोला था, अगर हम कोई सिस्टम को जब सुधारेंगे तो सबसे पहले अपने आप को कष्ट होता है, वो कष्ट उन्होंने हमें दिया, उस कष्ट को झेलने के बाद में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र होगा तो हम कल को सुरक्षित होंगे। आज अगर हम दो पैसे कमा के अपने जेब में रखते हैं और कल को देश उसको सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा जोड़ के रखने का। जी जी, तो कम से कम हम कल को सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित एक माहौल हम दे के जाएं, नहीं तो आप देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है कहीं पे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में भी दो दिन पहले एक गाय काट के फेंक दी और एक माहौल बिगाड़ने का काम जो इन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीमित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्र हित में जो है बिल्कुल खड़े हैं, चाहे धूप हो चाहे छांव, हमें कोई रोकने वाला है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि जो कार्यकर्ता के तौर पर आपको किस तरीके की चुनौती आपको देखने को मिल रही है और जनता की तरफ से किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे पूर्वी दिल्ली में? देखिए आज पूर्वी दिल्ली, क्या मैं पूरी दिल्ली में देख रहा हूँ, दिल्ली के युवाओं ने, दिल्ली की जनता ने इस टुकड़े टुकड़े गैंग को, भ्रष्टाचारी गैंग को, इस पाकिस्तान परस्त पाकिस्तान प्रेमी गैंग को जवाब देने का मन बना लिया है और सब चारों ओर से सब जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, मोदी मोदी मोदी। यदि आज इस देश को शक्तिशाली भारत बनाने की तरफ, स्वस्थ भारत बनाने की तरफ, समृद्धशाली भारत बनाने की तरफ यदि कोई व्यक्ति ले जा सकता है, कोई सरकार ले जा सकती है, तो वो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करेंगे, विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करेंगे। ये भारत की जनता ने, दिल्ली की जनता ने और पूर्वी दिल्ली की जनता ने अपने समर्थन से, भाई गौतम गंभीर जी के समर्थन में सड़कों पर आकर ये बता दिया है उस टुकड़े टुकड़े गैंग को, उस देश विरोधी गैंग को, कि अब यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार के माध्यम से जो उन्होंने देश को लूटने का प्रयास किया, प्रयास नहीं उन्होंने लूटा, दुनिया भर के घोटाले किए, अगर ए से जेड तक शुरू किया जाए तो हर अक्षर से उनका एक घोटाला उजागर होता है, वो घोटाले अब बंद होने वाले हैं, उनकी दुकान यहाँ देश के लुटेरों की दुकान यहाँ बंद होने वाली है, जो विदेशी लोग यहाँ लूट का तांडव मचा रहे थे वो यहाँ समाप्त होने वाला है और मोदी सरकार उन्हें फिर एक बार आने वाली है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी तो आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का यहाँ पर नारा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी धूप में होने के बावजूद आप यहाँ पर आए, एक किस तरीके का आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि आप यहाँ धूप में आए? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखा जाए तो स्टूडेंटों के लिए बहुत सारे रोजगार ले गए हैं, जो पहले इतना रोजगार नहीं था, बट अब स्कूलों में इतना बढ़िया कर दिया है कि ये है कि मोदी सरकार की वजह से ये सब हो रहा है। यानी कि आप मोदी के नाम पर वोट देने वाले हैं इस बार? यस बिल्कुल, इस बार मोदी के नाम से, मैं भी 19 साल का हो गया, इस बार मोदी के नाम का मैं भी वोट दूंगा मोदी जी को ही। बिल्कुल, चलिए तो बहुत बढ़िया, इन्होंने बात बोली कि कहीं ना कहीं युवाओं में भी एक उत्साह है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले कि गौतम गंभीर जी स्थानीय यहाँ के नेता नहीं है और वो बाहर के आए हुए व्यक्ति हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर
बकवास बात है। गौतम गंभीर जी की जो कर्मभूमि है वो गांधीनगर में आप जाके देखें कितना बड़ा उनका बिजनेस, आज से दो दिन से नहीं है, वर्षों से वहाँ पर वो बिजनेस चला रहे हैं और बहुत बड़ा उनका वहाँ पर काम है और वो जुड़े हुए हैं। दूसरा जो उन्होंने अपनी एक भावना रखी, उन्होंने बोला जिस भावना से के साथ में, जिस उत्साह और जोश के साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा की है, उससे उसी प्रेरणा को लेते हुए मोदी से प्रभावित होते हुए उन्होंने बोला उसकी जज्बे के साथ में मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। और हम मैं आज से नहीं उनको लाइक करता कि आज चलो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, आज से मैं उनके जो पहले से ही जो है उनके ट्वीट देखता था सुनता था तो एक दिल में एक उत्साह होता था, जैसे अक्षय कुमार जी हैं, इससे ऐसे लोग जो हैं कि जो देश भावना जुड़े हुए हैं, वो अपना काम उस टाइम पे भी कर रहे थे लेकिन वो एक टाइम पे एक सीमित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए थे, भारतीय क्रिकेट टीम जुड़े हुए थे, इसलिए जो है वो एक सीमित रूप से करते थे, लेकिन आज उसी जोश उसी भावना के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कमिटमेंट किया है, जिस कमिटमेंट के साथ में उन्होंने भारतीय टीम की सेवा की है, भारत की क्रिकेट टीम का नाम रोशन किया है, उस उत्साह के साथ में ही वो जो है जनता के बीच में रहेंगे। जो अफवाह वो फैला रहे हैं ना जी कि क्या नाम है, लेकिन वो क्या है कि उनकी जो सोच उनकी बड़ी नेगेटिव है, उन्होंने पहले भी उनका देश क्षेत्र नेतृत्व किया लेकिन उन्होंने क्या किया है वो सब जनता जानती है। लेकिन गौतम गंभीर जी ने बोला है मैं कमिटमेंट के साथ में, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सेलिब्रिटी है आएगा जीतेगा चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, वो हमारे बीच में रहने वाले हैं और हम उसके उनके जो भाव हैं, जो उनकी एक उत्तेजना है उसको हम समझते हैं और उससे हमें उम्मीद है कि हमारे बीच में सेवा करेंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे जी। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा करी, ठीक उसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहकर देश की सेवा करेंगे। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावों में खासतौर पर पूर्वी दिल्ली में जो कि कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इस बार किसकी जीत होती है ये वक्त ही बताएगा। 23 तारीख जो कि नतीजे आएंगे उसमें ये साफ पता चल जाएगा इस बार यहाँ से किसकी सरकार बनने वाली है। वो तो पहले ही हार मान चुके हैं अपने भाई जी, वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, पहले देखा नहीं जो 70 में 67 जीतने वाला कटोरा लेके कांग्रेस के सामने, जिसके खिलाफ वो पैदा हुए, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पैदा हुए, आज कटोरा लेके उसके सामने खड़े हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने भुखलाए हुए, कितने डरे हुए हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि क्या नाम है वो अकेला चुनाव लड़ सके। लेकिन सीटों का बंटवारा, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को जिंदा करना चाहती थी, उन्हें पता कि हम गठबंधन करने के बाद में भी हारेंगे, उनको ये पता था कि गठबंधन करने के बाद में हारेंगे, इसलिए उन्होंने ये गठबंधन नहीं किया, क्योंकि कम से कम वो अपने संगठन को जिंदा चाहते हैं, नहीं तो गठबंधन करने के बाद में जो संगठन थोड़ा बहुत बचा था वो भी मिट्टी में मिट जाता, खत्म हो जाता। जी जी, चलिए तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कार्यकर्ताओं में यहाँ पे काफी उत्साह नजर आ रहा है, इतनी धूप में होने के बावजूद यहाँ पे काफी हजारों की संख्या में तादाद में कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो 23 मई को जनता तय करेगी कि पूर्वी दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और यहाँ से कौन सांसद चुना जाएगा। कैमरामैन राघव के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली ई आंटी। मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो मोदी है।